हेलो एवरीवन, आप सही लोगों के साथ का तो छोटे सर्कल में मैं इंजीनियर सोलंकी आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मिक्स प्रैक्टिस है। ये क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको मूलधन दिया हुआ है, रेट दे रखी है, एनुअल कंपाउंडेड एनुअली एंड टाइम इज 2 ईयर। द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? डी बराबर पी पी क्या हो गया अपन को आर अपॉन 100 की इसके है। ठीक है, ये 2 साल के लिए होता है, फॉर 2 ईयर के लिए। ठीक है, 2 साल का ही है तो हमको डिफरेंस निकालना है। तो 6750 ये हो गया प्रिंसिपल। रेट क्या है हमारे पास? 36 18 और 18 और 2 20, 20/3 है, तो यानी कि क्या हो गया 400/9 स्क्वायर होगा। और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 100 का भी। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 तो ये हमारी ऐसी कट गई, 1 से ये कट जाएगी हमारे पास, और 2 2 4 2 5 10, 5 से काट लें इसको, 5 1 5 बची 1 5 3 15 5 25। ठीक है, और ये क्या पड़ेगा? 9 15 9 135, यानी 15 होगा, 15 2 30, यानी कि अब हमारे पास क्या होएगा? 30 रुपये का ये क्या आएगा? डिफरेंस होगा। और जब भी आपको 3 साल का निकालना है, फोर 3 ईयर के लिए क्या करना है? ये तो रहेगा डी पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? आर अपॉन 100 प्लस 3, ये लग जाएगा। ठीक है, ये रहेगा, ये 3 साल के लिए, फोर 3 ईयर। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं, हमसे क्या बोला है कि ए बी सी मिलकर 1450 कमाते हैं, उनका वेतन 60 65 ही खर्च कर देता है, उनकी बचत का ये होता है बी का वेतन। गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको मालूम है कि जब भी इनकम होती है, वो इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, ये बेसिक रूल रहता है। यानी कि माना कि वो 100 कमाते होंगे तो वो बचाते कितने हैं? जैसे 60 है तो वो क्या होगा? 40 बचाता होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर ये सेविंग है। यानी कि ए की बात करेंगे तो ए क्या है? वो ए अपनी सैलरी में 40% बचाता है, और वो खर्च कितना करता है? 14 के बराबर है, जिसका रेशो दे रखा है। तो एक काम करें, 2 2 4 2 7 14, 2 से काटेंगे 5, ठीक है, 7 5 35, ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 35। ठीक है, ऐसे बी का निकाल लेंगे। बी का निकालने के लिए क्या है? देखो, 65 खर्च कर रहा है तो बचेगा क्या? 35, 35 कर बचेगा, वो किसके बराबर है हमारे पास? 21 के बराबर। 7 3 21, 7 5 35, 5 2 10, तो 3 2 6, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/100 × वो, सॉरी, बराबर हमारे क्या है? 15 0, सॉरी 30 है ये, 30, 70 नहीं है ना, 70 तो मतलब वो बचा था, 1 मिनट इसको सही लिख लेते हैं। सी की वैल्यू हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सी बराबर क्या हो जाएगा माना? 30/100 बराबर का 15, 15 2 30, 2 से 50। ठीक है, तो 50 इस तरफ ले आते हैं, यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 50। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं? वो 1450 वो मिलकर कमाते हैं, ठीक है, ये हमारी सेविंग हो गई। अब क्या करेंगे? हम इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 और 5 11, सॉरी, हमको बी की वो निकालना है, वेतन क्या है? बी की वेतन, हाँ, तो बी की वेतन निकाल लेंगे। बी की वेतन हमारे पास क्या है? 60 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास? 35, और कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 और 35, तो क्या आएगा? 5 है ये, ठीक है, 1400 वो 145, यही तो हो गया 5, और 6 और 5 11 11 और 3 14, ठीक है, 14। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ये कितने में से कमाते हैं? तीनों मिलके कमा रहे हैं अपने, 1450, और ये क्या करेंगे हम? 1450 से नहीं, 135, तो 145 तो इसके नीचे आएगा ना, टोटल ये है ना, टोटल तो ये तीन का, तीनों का हो गया सेविंग का 145, ये, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 145 से 145 काटेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 600 रुपये, क्योंकि ये तीनों का इसमें से ही तो लेंगे, 60 के अपॉन में ये तीनों की जो सेविंग है और जो मिलकर जो कमा रहे हैं इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 600 है क्या? हाँ जी है, तो 600। ठीक है, देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमसे क्या बोला है कि एक व्यवसाय में ए के निवेश बी के निवेश का अनुपात ये है, यानी कि इन्वेस्टिंग ये है 16:9, 1 वर्ष के उपरांत उन्हें संबंधित लाभ का अनुपात ये है। तो यदि ए ने 4 महीने के लिए पूंजी निवेशित की तो बी ने कितने समय के लिए की है? ठीक है,
देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास के जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो 16:9 है, 16:19 है, सॉरी 16:19 है। ले तो ए और बी हम ऐसे लिख लेते हैं, पर लेकिन ये बोला है कि एक ए ने 4 महीने के लिए पूंजी निवेश की, ए ने 4 महीने के लिए पूंजी निवेश की, तो बी ने कितने समय के लिए, बी ने माना कि एक्स है, पर उनका वो जो प्रॉफिट का जो रेशो है, लाभ का अनुपात वो कितना है। देखो इसको ये क्या है, 9:1 है, तो इसको क्या है ऐसे 4 9 से, तो 9 दुनी 18, 1 9 दुनी 18, 1 19/2 है, तो ये क्या करेंगे 8:19 है, ठीक है ये कर लेना 8:19 है, तो 1919 तो वैसे ही कट गया, 4 दुनी 8, और ये क्या है 2 8 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8। तो यानी कि जो बी है, जो उसने 8 महीने के लिए उसने क्या किया है, डिपॉजिट किया है, यानी कि जो इन्वेस्ट किया है सॉरी, ठीक है। वो कह रहा है एक व्यक्ति का 10,000 रुपये की एक धनराशि को 2-3 के अनुपात में कुछ शेयरों में निवेश करता है, उसके निवेशों के लिए क्रमशः 10%, 25%, 20% का लाभांश देता है, उनकी लाभांश क्या है, यानी कि वो प्रॉफिट क्या है, यानी कि 10,000 रुपये उसने इसके रेशो में बांटी है, तो इसको मालूम है कि 5 और 3 8 और 2 10, जैसे इसका अगर वो करूँ 3x और इसको मान लिया ये 1, तो इसकी क्या है 5 और 3 8 और 2 10x है, 10x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 10,000 है, कितनी होगी 10,000 3, ठीक है 10,000 है, तो 1 से 1 गई, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 1,000 हो गई, 1,000 हो गई, यानी कि वो क्या करता है 2,000 रुपये लगाता है यहाँ, या 3,000 लगाता है, और ये 5,000 लगाता है। अब वो क्या कहता है 5,000 रुपये वो क्या कर रहा है 5 10% कमा लेता है, ठीक है 10% कमा लेता है, तो 10% का मतलब क्या है 110 प्रॉफिट ही तो कमा रहा है वो, लाभांश का मतलब क्या है प्रॉफिट है, 2 0 से 2 0 गई, यानी कि यहाँ से उसने कितने कमाए 11 दूनी 22, 2200 रुपये तो इसने यहाँ से कमा लिए भैया, ठीक है यहाँ ऐड करते चलेंगे। अब ये 3,000 का वो क्या करेगा हम 125, 125 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 वैसे कट जाएंगे हमारे, तो 125 × 3, 125 × 3 करेंगे 5 3 15 5, ऐसे लगी 3 2 6 1 7, 375, तो 3750 यहाँ से कमाया उसने। अब वो क्या कर रहा है 5,000 रुपये 120% का लाभ, तो ये क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, ठीक है, तो 2 0 तो गई, 2 0 और हो गई, 6,000 यहाँ से कमा लिए उसने, ठीक है ये हो गया 0 5 9 और 6 और 3 9, 6 और 3 9 2 11, ठीक है ये हो गया उसने टोटल जो लाभ कमाया वो कितना कमाया, ये टोटल लाभ, जबकि हमारे पास राशि कितनी थी 10,000, इसमें से घटा देंगे बस 1 2 3 4, ये 10,000 थे, तो उसने यानी कि उसका प्रॉफिट जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1950 रुपये, क्या हो जाएगा वो 1950 रुपये उसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा लाभांश में, ठीक है। वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं इसका 10% ही निकाल लेते तो अपन को 1950 ही डायरेक्ट आ जाता फिर वो, ठीक है ये भी कर सकते थे, पर लेकिन कोई नहीं हमारे पास टोटल में, इसलिए मैंने इस तरीके से कराया, लाभांश देते हैं ना उसको कि 10,000 पर टोटल पर उसने लाभ क्या हुआ कैसे कराया, ठीक है। अब उसको तो राशि 11,950 हो गई, 10,000 इन्वेस्ट करे तो बस 1950 उसका लाभ हो गया, ठीक है। देखो क्या बोला है, ऐसी न्यूनतम संख्या जिसे 8 बढ़ाए जाने पर उसे प्रत्यक्ष से विभाजित हो जाए, ठीक है भैया, पहले तो इनका एलसीएम मिलो 24 32 40 और 48, 48 ठीक है ये हो गया, 6 चौक 24, 8 से कर लो एक काम करो, 8 से करो, 8 से कर लो, ठीक है 38 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 3 1 3 4, 5 3 2 6, 2 2 4 2, 5 2 10 हो गया ये, 38 24, 24 2 48, तो ये क्या हो गया 480, 480 हो गया। अब क्या बोला है 480 से तो वो डिजिट होगी कि जो सब इससे डिविजल हो जाएगी 480 से, पर लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, अब वो बोला है कि 8 बढ़ाए भी जानी, यानी कि इससे पहले क्या हो जाएगा 472, 472 वो संख्या होगी प्लस उसमें 8 जो इंक्रीज करेंगे, यानी कि 8 जो इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए 480 बनना चाहिए, यानी कि वो मूल नंबर आपका क्या होगा 472 होगा, जो कि इन सबसे विभाजित हो जाएगा, ठीक है 8 बढ़ाए जाने पर, बढ़ाए जाने पर, क्योंकि 72 में 8 बढ़ाएंगे तभी तो 480 होगा, 480 हमको मान को एलसीएम तो वो है, पर लेकिन वो अब इसमें थोड़ी बढ़ाएंगे 88, अगर 8 बढ़ा देंगे तो फिर वो डिविजुअल ही नहीं होगा, अगर इसमें 8 बढ़ा देंगे तो वो सबसे डिविजुअल ही नहीं होगा, तो यानी कि जो क्या होगा मूल संख्या हमारी 472 होगी, इस तौर पर थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मूल संख्या होगी प्लस 8 कर देंगे तब हमको, हमको मान लो एलसीएम 480 चाहिए,
तो 480 क्या चाहिए इस वजह से, ठीक है। बोला है पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 8, 12, 15 और 20, ठीक है। ये हो गया, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या लें? एलसीएम ले लेते हैं, क्या करो, मैक्सिमम नंबर किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये कर नहीं रहा, तो 4 दूनी 8, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, 4 थी 12 और 4 पंजे 20, ठीक है। ये हो गया, 5 से ले लेते हैं हम, 2 3 5 15, 5 एक 5, फिर 3 से कर लेते हैं हम, ठीक है, 2 1 1 1, ठीक है। तो क्या बचा, 2 5 चौक 20, 20 थी 60, 60 दूनी 120, 120 हो गया हमारे पास 999। वैसे आपको ये संख्या तो खुद ही कर लेना चाहिए। देखो 12 अट्ठे 96 होता है, 8 से करेंगे, ये 12 अट्ठे 96, 960 हो जाएगा, ठीक है, 960 हो जाएगा ये, 93, फिर क्या बचेगा हमारे पास, 9। अब क्या बचेगा, 12 3 36, हमारे पास क्या बचा, 12 3 36, 9, और ये क्या बचेगा, 9। अब क्या बचेगा, 12 3 36, 9 39। अब 39 क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कर दो, अब 39 इसमें से माइनस कर दो, क्या होगा, 39, 9 9, बाकी तो 9 9 है ही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 6, ठीक है, 9 9 9 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। वैसे क्वेश्चन भी आएगा ये छोटी संख्या बड़ी संख्या वाला। देखो क्या कहता है हमसे, एक रिफाइंड तेल से भरे हुए कंटर के छिद्र है, यह छिद्र प्रतिदिन 11 किलो तेल बाहर निकालता है, यह 50 दिन तक चलता है, ठीक है। यदि रिसाव 15 केजी, यदि रिसाव 15 केजी प्रतिदिन होता तो ये 45 दिन चलता, तो तेल कितने दिन चलेगा अगर कोई रिसाव नहीं था, तो इसका इसका पूर्ण तरह से खाने के लिए करा। तो हमने मान लिया कि जो तेल है वो 11 किलो में चलता है, प्लस एक्स लगाएंगे कोई दिनों का है, तो वो 50 दिन तक चलेगा, ठीक है। खा भी रहे हैं संग में निकाल भी रहे हैं, यानी कि जो वेस्टेज जा रहा है रिसाव के कारण, ठीक है। अब क्या हुआ, 15 केजी अगर माना कि वो रिसाव कर रहा है और प्लस हमारा कोई खाने का होगा, तो वो क्या है, हमारा 45 दिन चल रहा है। तो एक्स की वैल्यू निकालना है यहाँ से, 5 2 50 5 45, 110 प्लस 10x बराबर 15 नंबर, 135 प्लस 9x, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, इस 9x में से इसको हटाएं तो x बचेगा 135 माइनस 110, 135 माइनस 110 यहाँ पर करेंगे तो 5, ये 25, ठीक है, 25। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 25। अब टोटल ये करेंगे हम, टोटल एक में से लगा दो, इसका भाग दे देना, तो यानी 11 प्लस 25 कितना हो गया, 35 इंटू 50 टोटल हो गया ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 गुणा 50 और 50 ही है ना, हाँ 35 50, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टोटल निकालते हैं, जैसे ये जो वैल्यू है, ये जो 25 हमारी जो वैल्यू आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो है इसमें रखेंगे हम, ये तो 15 और प्लस 25 कितनी हो गई हमारे पास, 5 5 10, हाँ से लग ये 2 1 3 40, 40 गुणा 45 डिवाइडेड बाय 25, तो क्या होगी, 5 5 25 5 45, 5 8 40, 8 9 72, तो 72 वो चलेगा दिन, ठीक है, 72 दिन चलेगा, ठीक है। देखो ये मान है, अब वो ये इसमें क्या है, डिजिटल सम का यूज करवाना है। वैसे मैंने इसको क्वेश्चन को इसलिए डाला है कि डिजिटल सम का यूज करना है यहाँ पर। देखो ये क्या हो गया, स्क्वायर होने दो, 2 वो 4 1 5 1 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 36 यानी कि 9 है, वैसे हटा भी सकते हैं, 9 लिख दो, चलो ये क्या हो गया, 1 इंटू 5 5 6 7, तो ये क्या हो गया, 7 हो गया, चलो 7 माइनस 9 9 तो हटा दो, 8 8 16, 16 यानी कि 7 7 7 49, 7 7 49 यानी कि क्या हो गया आपके पास, 4, ठीक है, माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखना, प्लस, तो ये क्या हो गया, 8, ये तो 9 ही हो गया, तो 9 से इंटू करेंगे तो 9 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 बचा प्लस 4 प्लस 9, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, माइनस का 2 प्लस 9, तो यहाँ पर क्या बचा, 7 7, देख लो, देखो 8 8 16 यानी कि 7, डिजिटल सम क्या हो रहा है, 7, और किसी का हो रहा है 10 7,
इसका भी हो रहा है यार 5 और 2 7, तो देखो 5 और 2 7 इसका भी हो रहा है, और 8 और 8 16, 16 यानी कि 7 इसका भी हो रहा है। तो आपको आप क्या करना पड़ेगा, इसमें लास्ट टर्म से भी देख सकते हो आप, फिर उसमें इस तरीके से है जो डिजिटल सम है, क्योंकि 5 और 2 7 दो ऑप्शन मिल गए ना, आप तुम किस पर रिस्क लोगे, ये है फिर लास्ट डिजिट देखनी पड़ेगी, ये भी है फिर लास्ट डिजिट से भी निकालेंगे हम। ठीक है, क्या बोला है, एक टैंक को पाइप ए और बी एक साथ 40 मिनट 30 मिनट भर सकते हैं, यानी कि ए किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 मिनट में कर सकता है, एक रिसाव होने के कारण 6 मिनट, यानी सी को एक रिसाव है वो निगेटिव काम कर रहा है, एलसीएम ले लो भैया, चाहे तो 0 हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 12, 3 4 12, 6 2 12 को क्या हो गया, 7 और 4 3 7, 7 में से 2 गई तो 5, ठीक है, यानी कि टोटल ए बी प्लस सी जो है क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्क हमारे पास हो जाएगा 5, कैसे हो जाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव है ना, इसको तो हटा देंगे तो 5 होगा, और टोटल वर्क हमारे पास क्या 120 है, तो क्या हो जाएगा 24 5 120, जो 24 मिनट में ये क्या करेंगे तो वो टैंक वो भर जाएगा, ठीक है 24 मिनट में। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है 4000 रुपये के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ये है, तो क्या करें, अच्छा 2 वर्ष का, अच्छा ये वो ही है डिफरेंस ही है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी पीछे बताया था पी अपॉन आर अपॉन 100 कैसे करते थे हम, फॉर्मूला है बात बराबर ही हो गई, ठीक है, डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना दिया है हमको, अंतर 484, प्रिंसिपल कितना दिया है 1 2 3 4 0, और हमको क्या निकालनी है आर स्क्वायर अपॉन 1 2, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले को, ठीक है 4 0 तो ये वैसे ही कट गई, हटाओ चलो 4 से काट लो इसको, 4 एक 4 4 दुनिया 6, आर की वैल्यू क्या आएगी 11, सीधा सा रूट ही हो गया इसका, रूट में लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी 11%, ठीक है 11%। क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक घड़ी को 15% हानि पे बेचता है, 10% कम में खरीदता तो 40 रुपये, अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता है, घड़ी का विक्रय मूल्य बता, अब सेलिंग प्राइस पूछ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है 15% हानि पे बेचता है, तुम तो सिंपल मान लो सीपी 15% हानि यानी कि 85/100, ये हो गई हमारे पास सेलिंग प्राइस, एक इक्वेशन जो हो गई, दूसरी पे कह रहा है कि अगर ये उसको 10% कम में खरीदता, भैया 10% कम में खरीदता और उसको क्या करता, तब भी उसको 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता और उसको सेलिंग प्राइस 40 रुपये अधिक में बेचता, यही था, तो देखो 2 0 से 2 0 तो मेरी ये बेसिक कर गई, 12 8 96 होता है, 12 9 108 क्या हो गया मेरे पास 108, ठीक है, तो ये क्या हो गया 108/100। अब मैं सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख सकता हूँ, इसकी वैल्यू तो ये रख सकता हूँ, इसलिए मैं इस तरफ रखूंगा तो 85/100 कर दिया मैंने, ठीक है ये क्या हो गया 46, ठीक है, तो 108 में से 85 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3, और 10 में से 23, 23 बचा हमारे पास, सीपी बराबर क्या हो गया 23/100 और ये क्या हो जाएगा 46, ठीक है 23 2 40, तो क्या हो गया मेरे पास 23 2 40, तो ये हो गया सीपी मेरे पास आ गई 200 रुपीस, ठीक है, पहले क्यों मेरे को सीपी नहीं चाहिए भाई साहब, सेलिंग प्राइस चाहिए, अब सेलिंग प्राइस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख दो, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर पुट कर रहा हूँ ये सीपी की वैल्यू, तो 200 × 85/100 बराबर सेलिंग प्राइस, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, ये गई 85 × 170, 8 × 16 होते 5 × 10, 170 रुपये, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है ठीक है। क्या बोला है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखा है और टर्म हमको देख रखी है 36, तो नंबर ऑफ टर्म बताना है, ठीक है, तो आपको क्या होता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2a+l, ठीक है ये कितनी दे रखी है हमको 36 n/2 और ये कितना हो गया मेरे पास 11 × 12, 2 से गए 6, तो ये 6 से कट जाएगा 36, तो n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 6, पदों की संख्या मेरे पास क्या आएगी 6, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज होता है याद रखना, जब टर्म दे रखी है एस एन की 36 टर्म रखी है मतलब सम दे रखा है एस एन मतलब सम, और ये एन की वैल्यू हमको निकाल ली है फर्स्ट और लास्ट टर्म से। अच्छा क्वेश्चन है, हमसे क्या बोला है, रमन 6400 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, 4 महीने बाद राधे रमन के साथ साझेदारी के रूप में जुड़ता है, तो 1 वर्ष बाद उनका लाभ, देखो रमन है और ये राधे है, ठीक है राधे है, तो रमन क्या कर रहा है 6400 रुपये के साथ, वो तो 12 महीने ही काम करता है और व्यवसाय जब शुरू करता है तो 4 महीने बाद, 4 महीने यानी कि 8 महीने उसके पास बचे हैं,
तो राधे जो है एक्स मान लिया वो 8 महीने के लिए काम करता है, उनका प्रॉफिट का लॉस क्या है हमारे पास 4:5 है। तो वो पूछा है कि राधे का निवेश क्या है, पैसे बताने के उसने, ये तो समय हो गया पैसे बताने, तो बता देंगे। तो देखो अटवट 64, इसको पहले काटो ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8 ठीक है, एक वर्ष बाद 4-5 का रेशो वो होता है ठीक है, 64 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करता है, 4 महीने बाद राधे रमन के साथ साझेदारी हो जाता है ठीक है। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा है, 8 कुछ गलत है क्या, देखो दोबारा काटते हैं, 1 मिनट रुकना यार, हमने काटा गलत, देखो 8 से काटेंगे तो 8/64 तो ठीक है 8/8, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, सही तो है, 24 पंजे 120 होते हैं, 2 जीरो और लगेंगे हमारे, 2, ये बात हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12,000 रुपये, सही तो है ठीक है। देखो 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो हमारे पास है, बिल्कुल काट दिया ठीक है, ऐसे ही होता है। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन लास्ट संख्या 6 और जो बताया उनकी संख्याओं का योग जी है, तो उन संख्या व्रतक्रम क्या है, व्रतक्रम का मतलब ऐसे 1/x है प्लस 1/y, ये दो नंबर मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा x/y और x+y, बस ये जी सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। ये क्या बोला है, इन संख्याओं का योग क्या होता है 512, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा ये है 6 × 216 ठीक है, ये है। अब काट लो इसको, 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चक्की 12, 2 तीय 6, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चक्की 12, 2 चौक 8, ये 27, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 32, 27 तीय 81, तो क्या हो जाएगा 32/27 तीय 81, ये हो गया मेरे पास, कुछ नहीं है, वो तो लल्लू है क्वेश्चन, इसमें कहीं एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मैंने एक्स वाई कुछ भी मान लो ठीक है, ये होता है व्रत कर्मान के, यानी कि रेसिप्रोकल्स जो होता है वो है। बोला हमसे द सम ऑफ टू कंजुकेटिव इवन नंबर, यानी कि दो कर्मी ने x+x+2, ये हो गया इवन नंबर का, हुज डिफरेंस इज 82 ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 868 है स्क्वेयर का डिफरेंस का, दो नंबर हमारे पास ये हो गया, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये ठीक है। अब उनका स्क्वेयर यानी कि एक तो स्क्वेयर यही हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 दूनी 4x, इनका डिफरेंस ले लिया हमने, वो किसके बराबर है 68 के बराबर, तो ये तो ये कट जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आएगा 4x 68 और सॉरी 64 बचेगा, चलो 4x से कर लेते हैं, तो 4 इस तरफ ले गया ना हमने, तो ये क्या आएगा 64, और ये क्या हो जाएगा 16 चौक 64, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, एक नंबर 16 है और दूसरा नंबर क्या होगा 16 2 18 हो जाएगा, 8 और 6 14 ही 4, ऐसे लगी 34, तो दो नंबर हमारे पास उनका जो सम है, सम निकालना है तू कंटिन्यू, तो वो क्या आएगा हमारे पास 34। इवन पूछा है तो x+2 लिखना है, ऑड पूछा है तो x+1 लिखना है, बस याद रखना कंजुगेटिव में, ऑड के लिए, ऑड के लिए ये है और इवन के लिए x+2 होता है ठीक है। क्या बोला है, स्नेहा ए से चलना शुरू करती है और काजल एक दूसरे से बी की ओर शुरू करती है 12 किलोमीटर, जब यानी कि अपोजिट चल रहे हैं भैया, कहने का मतलब ये है यहाँ से स्नेहा चल रही है और यहाँ से काजल चल रही है ठीक है, वो 12 किलोमीटर से या 15 किलोमीटर, जब अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है, तो इनका क्या हो गया 25 किलोमीटर पर आवर हो गया ठीक है, और डिस्टेंस उनके पास क्या है 100 है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ठीक है, स्पीड क्या है 25 हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 150, और ये क्या हो गया टाइम ठीक है, ये हो गया, तो 5×25 5×3 15, 5×6 30, लो टाइम हमारे पास क्या हो गया 6 आवर आ गया, क्या आ गया हमारे पास 6 आवर ठीक है, बात करते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सम ऑफ दो एंगलों का क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए हमारे पास, ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाया जाता है ठीक है। तो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है और इनका सबका एंड सम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 360 के बराबर होता है, तो 3x क्वाड्रिलेटरल का 3x+4x+2x
प्लस 2x माइनस 4 प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 360 होता है। ठीक है, सबसे बड़ा संपूर्ण का कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि दो कोणों को मिला के 180 डिग्री करेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारे पास, अगर देखो ये प्लस से ये कट जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, ऐसे यही तो कर रहे हैं ना, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 360 हो गई। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 36। ठीक है, अब कोई दो एंगल ऐसे मिला के देख लो जिनका सम 180 डिग्री हो रहा है। देखो 180 हो रहा है। देखो अब हम क्या करेंगे, 180 क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में, और हमको बड़ा वाला एंगल चाहिए, लार्जर एंगल चाहिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये क्या करेंगे, 36 दिया 108 प्लस 4, ठीक है, यहाँ पर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 112, 112 और 36 दूनी 72। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया है मेरे पास, 36 दूनी 72, 72 माइनस 4, 72 माइनस 4, 12 में 4 नहीं तो 8 और 1 गई तो ये 68। ठीक है, ये हो गया, और ये क्या हो गया, 36 दिया 108। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे x प्लस y है, जैसे एक एंगल हमने ले लिया जैसे ये है, तो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए संपूर्णक में। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बड़े कोण के संपूरक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूरक मान ज्ञात कीजिए, यानी कि दो एंगलों का सम करके हमारे पास 180 होना चाहिए। अब देखो लो, दो एंगलों का कौन कौन सा सम हो सकता है, यानी कि ये जो है, अब जैसे हमने ये ले लिया 68 और कोई भी ये ले लिया, तो ये तो 180, देखो 68 और 1808, तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 8 16, और ये क्या हो जाएगा, 76, 176 हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे हमको पेयर बनाना है, तो एक 68 से बनना है और 112 68 से, तो ये क्या होगा, 8 और 2 10, 6 एक 7 1 8, ये तो हमारे पास क्या होएगा, 112 और ये इससे बनना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 68 इसका आंसर इस तरीके से होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 84 रुपये धनराशि, 84 रुपये धनराशि 7% ब्याज दर से 4 वर्ष 2 महीने का साधारण, अब ये तो कर लेना यार, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें है क्या, 4 महीने है, पी इंटू आर इंटू टी भी तो लगाना है इसमें। ठीक है, ये है भैया, ब्याज निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8400 रुपये दिए हैं आपको, टाइम में दिक्कत आ रही होगी, मेरे को समझ में आ गया कि 4 है तो 2 वर्ष के, तो मतलब क्या हो गया, 12 1/6, यानी कि मतलब 6 चौक 24 1 25, 25/6 करना है बस, और क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे हटाओ, 14 छक्के 84 होते हैं, 6 6 6 6 24, ठीक है, और 14 7 98 × 25 करना है बस आपको, तो 98 × 25 कर लो, 58 40, वहाँ से लगी 4 9 5 45, 45 और 4 49, 8 2 16 की 6 यहाँ से लगी है, 9 2 18 1 19, ठीक है, 0 9 6 15 5 यहाँ से लगी है, 10 और 4 14 4, तो 24 50, 24 50 ये रहा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, तो एवरेज वेट ऑफ चिंटू चंटू पिंटू, तीनों है, चंटू मतलब ये तीनों अलग है, तो 26 तिया कर लो, 26 तिया क्या हो जाएगा, 36 18, चलिए 3 9 6 78, ठीक है, तो चिंटू चंटू पिंटू तो की वो है 78 है। ठीक है, ये हो गया एवरेज वेट ऑफ चंटू और चिंटू, चिंटू और चंटू, तो 28 दूनी 56, 56 अगर यहाँ से चिंटू और चंटू, तो हमारा पिंटू का बेट निकल जाएगा भाई साहब, पिंटू का बेट क्या यहाँ से हो जाएगा, पिंटू का जो एवरेज बेट होगा हमारे पास कितना होगा, 78 में से 56 घटा दो तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 22, तो पिंटू का ही हो गया। ठीक है, द एवरेज बेट ऑफ पिंटू, द एवरेज बेट ऑफ पिंटू एंड चिंटू, टिंटू सॉरी टिंटू, उनका दो का है पिंटू, और एक और टिंटू भी ले लिया है, टिंटू टिंटू, ठीक है, टिंटू का क्या है, 23 23 दूनी 40 कर दूं, 46 हो गया, तो इसमें से घटा दो, अब क्या जो टिंटू का आएगा 4 24, तो जो टिंटू होगा ना टिंटू, उसका क्या है, 24 है, नाम उल्टी चीज दे दी उसने, और कुछ नहीं घुमाने के लिए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, वो कहता है कि साधारण ब्याज पे दो अलग अलग योजनाएं एक्स और वाई में कुल 28,500 का निवेश किया जाता है, योजना एक्स 12% प्रति वार्षिक दर से 5% के लिए साधारण ब्याज प्राप्त करता है, योजना 3 में साधारण ब्याज प्राप्त करता है, दोनों योजना समान ब्याज देती हैं, तो एक्स में कहीं तो समान ब्याज देती है, यानी कि एक्स इंटू 12% 5 वर्ष का है, इसका रेशियो हम लेंगे इसके बराबर ही है, क्योंकि वाई इंटू 3 इंटू 18,
ठीक है, 3 साल की 18, तो एक काम करें, 6 दूनी 12, 36 18, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास x बटे y, तो ये क्या हो गया 3 तिरक 9, 3 तिरक 9, 5 दूनी 10, अगर टोटल की बात करेंगे तो ये क्या होगा 19, x प्लस वाई, तो 19 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, क्या है 28 500, 19 की वैल्यू उसमें क्या करेंगे 28 500 जो है इसमें से क्या करेंगे, 19 से कम 19, 98 से 9 गई तो 9, 19 5 95, ठीक है, तो 2 0 और लगा देंगे यहाँ, ठीक है। तो कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1500, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है एक्स का निवेश क्या है, तो 15 नम्मा 135, 15 गुणा 9 में करेंगे 2 0 हम लगा देंगे, तो 15 नम्मे 135, 13,500 इसका क्या होगा निवेश होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वो कहता है एक एक कार्य को 28 श्रमिक 12 दिन में करते हैं, भैया 28 श्रमिक है 12 दिन में करते हैं, यदि कार्य को 18 दिन में 8 दिन में समाप्त करना है तो कितने श्रमिक और एडिशनल चाहिए, तो 28 प्लस x होगा हमारे पास तो श्रमिक होगी, तो क्या करेंगे 4 3 12, 4 2 8, 2 से करेंगे हम 14, 14 3 42, 42 में से इसको 12 में से आएंगे तो 4, तो 1 गई तो 14, तो 14 एडिशनल हमको क्या चाहिएंगे, वो और एडिशनल चाहिएंगे, यानी कि जो सैनिक हैं या जो श्रमिक हैं, सॉरी श्रमिक हैं, तो इसमें एक्स प्लस करने, अगर डे की जरूरत पड़ती तो हम डे में प्लस कर देते, बात बराबर ही होता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई साहब, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, 22/7 वैल्यू रखना है, रेडियस हमारे पास क्या है 8/8 64, 8 × 8 कर सकते हैं, एच की वाइट क्या है 14 है, तो 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 × 8/8 64 कर लो भैया, 4 × 16 की 6 आंसर लगी, ये 4 × 16 = 17, ठीक है, 6 × 24 की 4 आंसर लगी 2, 6 × 24 और 2 = 26, 6 × 7 = 11 की आंसर लगी 1 8 2 28 16, ठीक है। देखो तो गेन परसेंटेज निकालना है, फाइंड द गेन परसेंटेज द प्रिय सोल्ड स्कूटर इतना 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, देखो अब गेन परसेंटेज निकालना है यानी कि उसको गेन परसेंटेज हुआ है, यानी कि 1/6 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ये हमारे पास क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। जब उसने सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 6, उसको 1 का प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा 5 की उसने बेची होगी तभी तो होगा, ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, ये हो गया खानी बन गई, 1 का प्रॉफिट 5 पर इंटू 100, 5 × 10, तो ये क्या हो गया 20% का उसको क्या हो गया गेन परसेंटेज हुआ होगा, वैल्यूज की जरूरत ही नहीं थी, डराने के लिए दिया था इसमें हमसे, क्या बोला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, एक वस्तु 20% की छूट देता है, 10% का लाभ कमाता है, बहुत बढ़िया, इसके लिए तो जी फॉर्मूला लगाओ CP बराबर MP, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, 100 - D करेंगे 100 + P करेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य क्या है 550, CP हमको देने लगी, ठीक है, CP हमको निकालनी है, और D हमारे पास क्या है 10% का लाभ 110 हो गई, ये कट गया 11 5 55 58 40, यानी कि CP की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 400, ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 470, 70 का फायदा हो रहा है हमको, 70 का प्रॉफिट हो रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है कोई भी चीज़ हो, 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से 0 कट गया सॉरी, और 1 0 यहाँ से कट गया, ठीक है, तो 70/40 यानी कि 35/2, अब 35/2 का मतलब क्या हो गया 17.5%, 17.5% का प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इससे याद रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको फॉर्मूले को याद रखना, रेलवे वाले जरूर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, और थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई गलती होगी तो छोटे से मुझे माफ़ कर देना, आपका छोटा भाई हूँ, ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।